हेलो फ्रेंड्स, हम डॉक्टर बद्री धनवंतरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक से आज हम बात करेंगे स्टिमुलेशन की, वो भी आपके लोअर लिम में, मसल स्टिमुलेशन लोअर लिम में कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैं आज बात करूँगा, डिस्कस करूँगा आपको फ्रंट ऑफ थाई मसल्स में कैसा स्टिमुलेशन करना है, आपको क्वाड्रिपलेजिया या कोई पैरालिसिस का पेशेंट है। सेकेंड, आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स का कैसे आपको स्टिमुलेशन प्रोग्राम यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं क्वाड्रिसेप्स, मतलब चार मसल्स होती है क्वाड्रिसेप्स की, वास्टर मीडियलिस, इंटरमीडियलिस, रेक्टस फेमर एंड सार्टोरियस। तो क्वाड्री मतलब चार मसल्स को स्टिमुलेट करना है, ठीक है। तो बात करते हैं अब क्वाड्रिसेप्स मसल्स की, ठीक है। तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स में क्या है, वेस्टर्न मीडियलिस एंड इंटरमीडियलिस, रेक्टस फेमोरिस एंड सार्टोरियस, ये चार मसल्स है। तो हमको स्टिमुलेशन कैसे करना होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो आपको एक इलेक्ट्रोड आपका यहाँ पे लगाना है, वेस्टर्न मीडियलिस पे एंड लेटरालिस पे, ठीक है। तो मैं स्टिमुलेशन आपको मीडियलिस ऑन लेटरालिस पे, दोनों पे आपका स्टिमुलेशन रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रोड आपको इधर फिक्स करना है, ठीक है। इस साइड को एक इलेक्ट्रोड आपको यहां पे फिक्स करना है, ठीक है। और दूसरा आपको लेटरल साइड पे फिक्स करना है, ठीक है। तो ये आपका वास्टस मीडियलिस और लेटरालिस मसल्स के लिए आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेनली क्या हम आपका सर्ज फेराइटिक में आपको स्टिमुलेशन देंगे। स्टिमुलेशन आपका ये क्या है, आपका पीछे की तरफ जा रहा, ठीक है। तो फ्रंट ऑफ थाई का काम क्या होता है, एक्सटेंशन का, ठीक है। तो स्टिमुलेशन से आपको ये स्टिमुलेटर हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, आपकी एक मसल्स का, आपकी सिर्फ दो मसल्स का आपको स्टिमुलेशन कर रहा है। अगर आपको थर्ड स्टिमुलेशन करना है रेक्टस फेमोरिस का, तो इसका इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट आपको सिमिलर रखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो इसको आप स्टैंडिंग में भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्टैंडिंग में करने के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, स्टिमुलेशन आपके ये पीछे को जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, स्टैंडिंग के साथ वेट वेयरिंग होगा आपका स्ट्रोक के पेशेंट में, या आपका पैरेसिस अगर किसी को पेशेंट को हो तो वो स्टैंड कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए कैसे स्टिमुलेशन करना है, ठीक है। तो हैमस्ट्रिंग मसल की लोकेट होता है आपका यहाँ से, आपका सेमी टेंडन, सेमी मेमोरियंस, बाहर से आपका बाइसेप फेमोरिस, ये दो मसल्स होती है। तो उसको स्टिमुलेशन प्रोग्राम के लिए सेम आपको यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड प्लेस करने हैं, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे तो उसके बाद आपको स्टिमुलेशन आपको दिखेगा, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रोड आपका प्लेसमेंट आपको बता रहा हूँ कहाँ पे करना है। तो मैंने क्या किया, एक लेटरल साइड को लगाया, एक मीडियल साइड को लगाया। तो दोनों फाइबर के लिए, तीन फाइबर के लिए आपको बैक ऑफ थाई में तीन मसल्स होती है, वास्टस मीडियलिस, थाई के लिए तीन मसल्स होती है, सेमी टेंडनस, सेमी मेम्ब्रेनस एंड बाइसेप फेमोरिस, ठीक है। तो सेम आपको क्या करना है, ऐसा कॉन्ट्रैक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हैम्स का काम क्या है, आपका फ्लेक्शन ऑफ नी, ठीक है। तो ये आपको हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन आपको हैम्स में दिख रहा है, ठीक है। तो ये अगर कोई स्टैंडिंग नहीं कर सकता है पेशेंट, तो यू शुड अप्लाई ऑन प्रोन लाइन, ठीक है। तो ये हमारी प्लेसमेंट थी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।